चेयरमैन हूं कि दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर भी वो मेरे ही हाथ से खाना खाते हैं, तो मेरा उनके साथ रहना जरूरी है, इसीलिए मैंने आप सभी को यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। जी कोई बात नहीं, वो तो आपकी मेहरबानी है कि वो इस तरह चल फिर पा रहे हैं। तारीफें रहने दीजिए, सीधा मुद्दे पे आइए, आपने ऐसे वक्त में इस तरह की मीटिंग होनी ही क्यों दी? हमें भी कॉन्फ्रेंस के बारे में पता नहीं था, वो तो चेयरमैन यून ने अचानक से... शान से बताने वाली कौन सी बात है? आपको खूब पैसा मिलता है ताकि आप कुछ भी होने से पहले ऐसी चीजों का पता करें और उन्हें रोके। अरे रे, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आखिर हम इस औरत की बात क्यों सुने? ये तो चेयरमैन के लिए खाना बनाती है, इसे हमारे काम के बारे में क्या पता? यही सोच रहे हैं ना? कैसी बात कर रही हैं? बिल्कुल नहीं ऐसा है तो अब से चेयरमैन यून को जाने वाले सारे ड्राफ्ट्स पहले मेरे पास आने चाहिए, और पीआर टीम को कहना सुबह आकर मुझसे मिले। पब्लिक रिलेशन टीम क्यों? न्यूज में नहीं देखा लोग कैसे हमसे नाराज है? पिछली मैनेजमेंट के लिए जनता की सहानुभूति नई मैनेजमेंट के लिए मुश्किल बन गई है। क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे स्टॉक प्राइस गिरने की फिक्र है? एंकर एलपी के खिलाफ ऑपोजिशन खड़ी हो गई है, कह रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस काफी नीचे गिर रही हैं, तो एग्जिट को डिले करना होगा। और मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि हमें एक जनरल पार्टनर रखना चाहिए। इनका मुंह बंद करने के लिए हमें जल्दी वो स्लश फंड ढूंढना होगा। उनके स्लश फंड का रूट चेक किया? जी, ये बात कंफर्म हो गई है कि वो लाबुअन मलेशिया के एलसीसी इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट जमाल इब्राहिम से अपना अकाउंट मैनेज करवा रहे थे। मुझे लगता है उन्होंने सारा पैसा निकाल कर ट्रांसफर कर दिया है। कितना पैसा? करीब 900 बिलियन वॉन। जल्दी किसी को लाबुअन भेजो, मुझे वो स्लश फंड हर हाल में चाहिए। ये जगह नूडल सूप के लिए मशहूर है, अगर आपको भूख लगी है तो। मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता मेरे गले से नीचे उतरेगा। हालात जो भी हो, शरीर को कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। पिता परिवार की नींव होता है, आपको हिम्मत रखनी होगी ताकि आपके बच्चों में भी हिम्मत आए। मेरे बच्चों को मुझे देखकर कोई हिम्मत नहीं मिलती, और ना ही मैं परिवार की नींव हूं। शुरू से ही परिवार का प्रधान मैं नहीं बल्कि मेरे डैड रहे हैं। कभी कभी इस बात का दुख होता था, लेकिन मैं बहुत खुश था। अजीब लग रहा है ना, मैं खुश था कि मेरे बच्चे मुझ पर निर्भर नहीं करते। मेरी बेटी हमें जल्द ही छोड़कर जाने वाली है। मैंने उससे कहा अपने बाप पर भरोसा करें, लेकिन सिर्फ ये कह देने से मेरी बेटी को हिम्मत कैसे मिलेगी? ऐसा बिल्कुल